हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आप भी बीएसएससी थर्ड सीजल का फॉर्म भर करके एग्जाम का वेट कर रहे हैं तो आज का न्यूज आप लोगों को जरूर पूरा देखना चाहिए। इस न्यूज में मैं आपको आज बताने वाला हूं कि एग्जाम का डेट जो है जो दिसंबर में 23 और 24 को संभावित है, उस डेट में भी आगे बढ़ने की संभावना तय हो चुकी है। और ये जो मैं आपको आज का न्यूज बताऊंगा वो ऑथेंटिक न्यूज होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये नोटिस देखना चाहिए। ये नोटिस के बारे में आप लोगों को पता भी होगा, ये नोटिस 14/11/2022 का नोटिस है, 14 नवंबर का नोटिस है। काफी गहमा गहमी के बाद ये नोटिस दिया गया था। तो इसमें जो 26/11 और 27/11/2022 का जो संभावित डेट था, उस डेट को आगे बढ़ाते हुए 23/12 और 24/12 को संभावित किया गया था। ये भी संभावित किया गया था, ये भी फिक्स डेट नहीं है, इसको भी संभावित किया गया है, ठीक है। उसके बाद ये जो नोटिस आने के बाद स्टूडेंट में जो थोड़ा सा जितना गहमा गहमी था सब खत्म हुआ और उन्होंने 23 और 24 डेट को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को स्टार्ट किया फिर से। उसके बाद एक और नोटिस आपको साइट पे देखने को मिला था, जो कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर 22/11/2022 का ही नोटिस था, 22/11/2022 का ही नोटिस था। और ये जो नोटिस था यहाँ पर कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से संबंधित डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग करने के अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना था ये, ठीक है। इसमें देखिए आपको दिया हुआ है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो 03 परीक्षा थर्ड सीजीएल, ठीक है, यहाँ पर थर्ड सीजीएल आपको क्लियर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, थर्ड सीजीएल से संबंधित ये नोटिस है। इसमें देखिए क्या कह रहा था यहाँ पर कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित किया जाता है। देखिए, निविदा आमंत्रित किया गया था कब तक, निविदा आमंत्रित जो किया गया था वो देखिए यहाँ पर 22 तारीख को किया गया था, ठीक है, 22 तारीख का ये नोटिस है। तो निविदा आमंत्रण 22 तारीख को किया गया था और 23 से लेकर के 29 तारीख तक यहाँ पर लिफाफा जमा कर सकते थे। जिनको भी जो टेंडर लेना है वो अपना लिफाफा जो है डाक निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से सीलबंद लिफाफा यहाँ पर ऑफिस में जमा करवा सकते थे अपराह्न 5 बजे तक। और ये जो लिफाफा जो खुलने का तिथि था वो था 30/11/2022 को 11:30 पे सुबह में, ठीक है। तो जो 11:30 बजे लिफाफा खुला होगा, यानी कि जो आज का डेट है, आज के डेट में ये लिफाफा खुला होगा। तो लिफाफा के बाद क्या हुआ, टेंडर किसी ने लिया या नहीं लिया, अगर जो कंपनी है या जो प्रिंटिंग करने वाला जो प्रेस है, अगर उसको महंगा पड़ेगा, उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा, तो वो फिर ये जो टेंडर नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपको याद होगा कि अगर आपने प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा दिया होगा तो मेंस का एग्जाम, प्री का एग्जाम में जो निविदा आमंत्रण जो किया जाता था बीएसएससी के द्वारा, निविदा आमंत्रण और निविदा लेने में ही 2-3 महीने खत्म हो जाते थे। अगर ऐसा कंडीशन इसमें भी आता है, आयोग चाहेगी कि कम पैसा में निविदा दे दे, और जो निविदा लेता है कंपनी वो चाहेगा कि हमको ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। तो इसी चक्कर में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे डेट यहाँ पर कैंसिल्ड होते हैं। 30 तारीख को खुला है, अगर इसमें बात नहीं बनेगा तो फिर से निविदा निकाला जाएगा, फिर से बहुत सारी बातें होंगी, ठीक है। तो देखते हैं आज शाम तक आपको न्यूज मिल जाएगा कि क्या हुआ निविदा में। अब देखिए निविदा में करना क्या क्या था वो देख लीजिए एक बार। देखिए निविदा में क्या करना था मैं आपको बता देता हूँ, उससे आपको अनुमान लग जाएगा कि जो क्या काम होने वाला है इसमें। चलिए देखिए क्या क्या करना था निविदा में। प्रिंटिंग ऑफ ऑफिस कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड, जो बीएससी थर्ड सीजीएल का है, एडमिट कार्ड का ऑफिस कॉपी प्रिंट करने के लिए A4 साइज में। उसके बाद प्रिंटिंग ऑफ अटेंडेंस शीट, जो बीएससी थर्ड सीजीएल के जो एग्जाम होने वाले हैं उनके अटेंडेंस शीट को यहाँ पर प्रिंट करना था। उसके बाद जो भी गाइडलाइंस होंगे एग्जाम के उसको प्रिंट करना था। उसके बाद जो भी डिफरेंट फॉर्म भी कुछ और कुछ फॉर्म होंगे उनको भी प्रिंट करना था। उसके बाद आगे दिया हुआ है कि हर एक एग्जाम में ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये नोटिस के बाद आप लोगों को क्लियर हो गया है कि जो बीएसएससी थर्ड सीजीएल का एग्जाम लेने का तो काम जोर शोर से चल रहा है, लेकिन अगर बात बनेगी तो ही एग्जाम ये जो है सो 23 और 24 दिसंबर को हो पाएगा, ठीक है। अगर और इसके बाद जो है सो एक चीज़ और मैं आपको शॉकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ,
कि 23 और 24 यानी कि जो बिहार का जो नगर निकाय चुनाव है, बिहार का जो नगर निकाय चुनाव है वो भी जो है सो दिसंबर के तीसरे या चौथे वीक में, दिसंबर के थर्ड या फोर्थ वीक में जो है अनुमानित है, डेट है, ठीक है। तो उससे भी जो है सो अगर मान लीजिए दिसंबर के लास्ट वीक में या थर्ड वीक में अगर बिहार नगर निकाय चुनाव का डेट फिक्स हो जाता है तो फिर एग्जाम का EBSS थर्ड सीरियल एग्जाम कैंसिल होना तय है, फिर आगे डेट बढ़ने वाला है, ठीक है। काफ़ी यहाँ पर शॉकिंग न्यूज है कि बिहार नगर निकाय चुनाव का भी जो है दिसंबर के लास्ट वीक में यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। तो देखिए 2-3 दिन में क्लियर पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। और एक चीज़ और न्यूज मैं आपको ऑथेंटिक देने वाला हूँ कि अगर दिसंबर के लास्ट वीक में बिहार नगर निकाय चुनाव नहीं होते हैं तो यहाँ पर आपको 8 से लेकर के 12 दिसंबर 8, 9, 10, 11 और 12 दिसंबर को BSSC थर्ड CGL का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, ठीक है। ये भी न्यूज निकल करके सामने आ रही है। लेकिन अगर दिसंबर के लास्ट वीक में बिहार नगर निकाय चुनाव अगर डेट फिक्स हो जाता है चुनाव आयोग के द्वारा तो फिर आपका ये एग्जाम 100% कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कैंसिल होकर के एग्जाम जाएगा कहाँ, ये भी तो सोचने वाली बात है कि एग्जाम कैंसिल होकर के डेट कहाँ जाएगा। अगर जनवरी में जाता है, जनवरी 2023 में जाता है तो ठीक है, अगर फरवरी 2023 में जाता है तो ये नहीं होगा फिर एग्जाम, फिर आपको मार्च ले जाएगा, क्योंकि फरवरी में 1 से लेकर के 17 तारीख तक 12th का एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम होगा, और 17 से लेकर के फिर आगे फरवरी में 10th का एग्जाम है। तो फरवरी में तो होने का कोई संभावना नहीं है, तो ज़्यादा चांस है कि अगर दिसंबर का नगर निकाय चुनाव के कारण अगर एग्जाम कैंसिल होती है तो जनवरी 2023 में ये जाने की संभावना है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो न्यूज़ था आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन आपको करना क्या है अभी कि 100% दिमाग में लेके चलिए कि 23 और 24 को ही एग्जाम है और उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है, ठीक है। क्योंकि चुनाव का तो अभी 2-3 दिन में जो कमेटी गठन हुआ था, जांच के लिए कमेटी गठन हुआ था कि अति पिछड़ा वर्ग का जो प्रॉब्लम हुआ था, तो उसका 2-3 दिन में अभी रिपोर्ट सौंपा जाएगा, उसके बाद जो है चुनाव का डेट प्रकाशित नया किया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।